गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अज असी किरिया बारे जानकारी प्राप्त करांगे। सब तो पहला असी इन्हां वाकां नूं पढ़ांगे। नंबर वन, पिता जी 5 बजे उठदे हन। नंबर टू, बच्चे खेडदे हन। नंबर थ्री, माता जी खाना बनाउंदे हन। हुण विद्यार्थियों, किरिया दा शाब्दिक अर्थ कम है। असी रोजाना जीवन विच कई कम करते हाँ, जिवें उठदे, खेडदे, बनाउंदे, इस तो इलावा खांदे, पींदे आदि। ठीक है, यह सारे किरिया का ही रूप हैं, भाव के एक्शन वर्ड्स हैं। पर व्याकरण अनुसार वह सारे शब्द किरिया अखवाते हैं जो वाक विच कर्ता वालों किए जाते काम नू काल सहित प्रगट करते हैं। हुण बेटा जी, किरिया की परिभाषा किसी काम के किए जाण जां होण नू काल सहित दसन वाले शब्द किरिया अखवाते हैं। हुण किरिया दो प्रकार की होंदी है, अकर्मक किरिया अते सकर्मक किरिया। पहला असी अकर्मक किरिया बारे जानकारी प्राप्त करांगे। अकर्मक किरिया वह होंदी है जिस विच करता तो हुंदा है पर कर्म नहीं हुंदा, भाव के बिना कर्म दे किरिया। हुण असी उदाहरण वेखांगे। मुंडा खेडदा है, मुंडा की है करता, खेडदा है किरिया। हुण मुंडा की खेडदा है, इस प्रश्न का उत्तर सानू नहीं मिल रहा, भाव कि इस विच कर्म नहीं है, यह अकर्मक किरिया है। नंबर दो, सकर्मक किरिया, जिवें कि दे नां तो ही स्पष्ट है, कर्म समेत किरिया। उदाहरण देखांगे, मुंडा फुटबाल खेडदा है। हुण मुंडा की खेडदा है, मुंडा फुटबाल खेडदा है। मुंडा करता, फुटबाल कर्म, खेडदा है किरिया। सो विद्यार्थियों, हुण सानू अकर्मक अते सकर्मक किरिया बारे जानकारी प्राप्त हो गई है, अते हुण हेठां दित्ते वाकां तो सानू थोड़ी होर स्पष्टता हो जाएगी। अकर्मक अते सकर्मक, सीता जांदी है, सीता कित्थे जांदी है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, सीता स्कूल जांदी है। नंबर दो, पिता जी पढ़ते हैं, अकर्मक किरिया, क्योंकि इहदे विच कर्म नहीं है, पिता जी अखबार पढ़ते हैं, ये सकर्मक किरिया है। हुण विद्यार्थियों, जिवें असी किरिया की परिभाषा पढ़ी सी, किसे काम दे कीते जाण जां होण नू काल सहित दसन वाले शब्द किरिया खवाउंदे हन, भाव के किरिया काल तो बिना नहीं हो सकती, इसलिए सानू किरिया दे नाल नाल काल दा ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। काल, काल तो भाव समा, समय दे अंत नू स्पष्ट करन लई किरिया दा रूप बदलता है, उस नू काल कहा जाता है। हुण काल दे तीन भेद हन, जां काल दीयां तीन किस्मां हन। नंबर वन, भूतकाल, वर्तमान काल ते भविखत काल। सब तो पहला भूतकाल बारे पढ़ांगे। भूतकाल तो भाव है बीत चुके समय का ज्ञान। इस काल विच बीत चुके समय का ज्ञान हुंदा है, जिवें गगन ने गीत गाया, रमन ने खाना खाधा। नंबर दो, वर्तमान काल, वर्तमान काल विच चल रहे समय का ज्ञान करवाया जाता है जा कीता जाता है, जिवें कि उदाहरण च गगन गीत गा रही है, जिवें गगन गीत गा रही है, रोहन पढ़ रहा है, शाम खेड रहा है। नंबर तीन, भविखत काल, भविखत काल विच आउण वाले समय का ज्ञान मिलता है, जिवें कि गगन गीत गावेगी, रोहन नचेगा, के माता जी खाना बनाउणगे। सो विद्यार्थियों, अज दा साडा किरिया अते काल दा विशा पढ़ चुके हाँ। सो तुसी इस दी सहायता नाल अपनी पुस्तक दे दित्ते अभ्यास दे प्रश्नां नू हल करना है। टिल देन, गुड बाय।